हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेकुक फैन फिक्शन बॉक्सर एंड डॉक्टर के पार्ट 40 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तेंगू ट्रीटमेंट के लिए एथलिक सेंटर में लाया जाता है। डॉक्टर तेंगू को ट्रीट करने लगता है। तेंगू के कोच, सभी टीम मेंबर, सब लोग उसके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान है। जब कहता है, टेल मी डॉक्टर, तेंगू इंजोरी अब कैसा है? डॉक्टर कहता है, इंजर्ड पैर पर बार बार अटैक करने से काफ़ी ज़्यादा खून बह गया है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। प्रॉपर ट्रीटमेंट से इंजुरी रिकॉर्डेड टाइम से पहले ही हील हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली ये ज़्यादा से ज़्यादा पैरों में निशान छोड़ सकता है, लेकिन मिस्टर किम को चलने में कोई तकलीफ नहीं होगा। जो भी हो, तेंगे लेफ्ट शोल्डर अच्छी कंडीशन में नहीं है। मैं यही सजेस्ट करूँगा, आप लोग उसे किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाकर अभी इसका ट्रीटमेंट शुरू कर दे। नर्स तेंगू के शोल्डर पर टच करते ही तेंगू पेन में कराहने लगता है। नर्स तुरंत तेंगू के कंधे से हाथ हटा लेती हैं। जब कहता है, डॉक्टर, क्या उसे सर्जरी करने की ज़रूरत है? डॉक्टर के कुछ कहने से पहले तेंगू कहता है, व्हाट द हेल, नो। अगर मेरी सर्जरी हुई तो मुझे लंबे समय तक गेम से बाहर रहना होगा, और ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तेंगू के शरीर कांप रहा था। ऑटोमेटिकली दर्द के कारण तेंगू के दूसरे हैंड लेफ्ट शोल्डर पर चला जाता है। जॉब कहता है, तेंगू, हमेशा अपनी मनमानी मत करो। ये तुम डिसाइड नहीं करोगे तुम्हें सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं, या फिर तुम कब सर्जरी के लिए तैयार हो। इस मामले में हमें डॉक्टर की बात मानना पड़ेगा, ना कि तुम्हारी। तभी तेंगू और उसके टीम मेंबर को जुमिन और डायरेक्टर मिस्टर चोय की आवाज़ सुनाई देता है। वो लोग तेंगू को गुस्सा दिलाने के लिए जानबूझकर बढ़ा चढ़ाकर बात कर रहे थे। मिस्टर चोय कहता है, जुमिन, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? चिंता मत करो, डॉक्टर ने कहा तुम्हें ज़्यादा चोट नहीं आई है, बस छोटा मोटा खरोच है जो 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। अब तुम्हें सेलिब्रेट करना चाहिए। क्या तुम जानते हो अब तुम्हारे फी कितना हो गया है? जुमिन कहता है, मैं ऑलमोस्ट जीत चुका था। फिर तेंगू को अपने ओर गुस्से से घूरते देख जुमिन हंसते हुए कहता है, नेक्स्ट टाइम, मैं तुम्हें इतने आसानी से नहीं छोड़ने वाला हूँ। तेंगू के आँखें गुस्से से जल रहा था। जुमिन कहता है, व्हाट द हेल, ऐसे क्या देख रहे हो तुम? अपने नज़रें हटा लो, तुम फिर कभी चैम्पियन नहीं बनोगे। जॉब कहता है, जुमिन को इसी कमरे में शिफ्ट क्यों किया? तेंगू एंगर में अपने बेड से उतार कर एक हाथ से जुमिन के नेक को ग्रैब कर लेता है और दूसरे हैंड से जुमिन के फेस पर पंच पे पंच करने लगता है। जुमिन के नोज से ब्लीडिंग होने लगता है। सब लोग तेंगू को रोकने की कोशिश कर रहा था। जॉब कहता है, तेंगू स्टॉप, ये तुम क्या कर रहे हो? तो मिस्टर चोई कहता है, व्हाट द हेल आर यू डूइंग, तुम कर क्या रहे हो लड़के? क्या तुम्हारी मृत्यु की इच्छा है? छोड़ो छोड़ो जुमिन को, तेंगू शाउट करके कहता है, मुझे रुकने की हिम्मत भी मत करना, छोड़ो मुझे। एमएफसी स्टाफ कहता है, मिस्टर किम, दैट्स एनफ। तेंगू कहता है, लेट मी गो, मैं आज उसे मार दूंगा। नेक्स्ट डे KR स्पोर्ट्स ब्रेकिंग न्यूज़ में फ्रंट पेज पर तेंगू के बारे में एक लेटेस्ट न्यूज़ पब्लिश होता है। किम तेंगू का रिंग के बाहर इस तरह से बिग जुमिन के साथ फाइट करना और उसे गंभीर चोट पहुंचाने के कारण तेंगू को डिसक्वालीफाइड किया जाता है। तेंगू मिसबिहेवियर के कारण जुमिन को ठीक होने में 1 महीना लगेगा। MFC मेडिकल ने अपना डिसिप्लिनरी इशू जारी करता है, जिसके कारण तेंगू को उसके एक्शन के लिए बॉक्सिंग कैरियर से 90 दिनों के लिए तेंगू को सस्पेंड किया जाता है और अब किम तेंगू के कंधे की सर्जरी होगी। न्यूज़ देखकर सब लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक में था। यून गो न्यूज़ देखकर मन में सोचता है, एक क्या मेस है, एक मेस से ये लोग तेंगू ह्योंग की हार कैसे पक्की कर सकता है? 1 इंसिडेंट और हर कोई तेंगू ह्योंग को लेकर कूड़े की खबर लिखने की होर में लग गया है। ह्योंग को जिम के अंदर एंटर करके कहता है, ओ सॉरी, मैं लेट हो गया। तभी तेंगू कहता है, यह आओ पोटेटो,
पोटेटो कहता है, क्या आज सब लोग प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए नहीं आएगा? दाई योंग कहता है, ये सिर्फ आज के लिए नहीं है, आज से और अब से सिर्फ हम होंगे। योनकू कहता है, क्या? लेकिन क्यों? दाई योंग कहता है, क्या तुम्हें पता है हम में से बहुत लोग MMA जिम ज्वाइन कर लिया है। वो लोग इस जिम को छोड़ने के लिए बहुत सारे बहाना बनाया और सब लोग तैयांग योंग के रिसेंटली मैच में हार के उदाहरण देकर इस जिम को छोड़ दिया है। जाहिर सी बात है, उन्हें इसके लिए लालच दिया गया है। अब जब तैयांग योंग को डिसक्वालीफाइड अनाउंस कर दिया गया है, तो मुझे लगता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि अब तैयांग योंग से सीखने के लिए कुछ नहीं है। और ऐसे भी तैयांग योंग के वजह से वो लोग बीफ नहीं खा सकते थे, उन्हें भी तैयांग योंग के साथ सिर्फ अंडा खाना पड़ रहा था। आखिरकार हम सब ने इस जिम में शामिल सिर्फ तैयांग योंग के लिए ही हुए थे, राइट? तभी दूसरा टीम मेंबर कहता है, दोस्त जर्क, एक हार के कारण ये लोग अपना असली रंग दिखा रहा है, इस जिम से मुंह मोड़ लिया, अनबिलीवेबल। दाई योंग कहता है, उन्हें भूल जाओ, अब हम बस अपने आप ट्रेनिंग कर लेंगे। योनकू मन में सोचता है, उनमें लॉयलिटी की कोई भावनाएं नहीं है। योनकू जिम से निकालकर फोन स्क्रीन के तरफ घूरते हुए जा रहा था, तभी कोई पीछे से आवाज़ देता है, हे पोटेटो। पोटेटो पीछे मुड़कर देखता है। पोटेटो मन में कहता है, सियोनहू कहता है, पोटेटो तुम कैसे हो? मैंने सुना कि तुमने जिम को छोड़ दिया है। मैं तुम्हें इसीलिए कॉल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी याद आ रहे थे। तुमने अभी तक कुछ नहीं खाया है ना? मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बारबेक्यू खिलाऊंगा। पोटेटो कहता है, क्या सच में? लेकिन अचानक एक क्यों? सियोनहू योनकू को जबरदस्ती अपने साथ बारबेक्यू रेस्टोरेंट में लेकर आता है। सियोनहू वही आदमी है जो तैयांग के साथ जिम में ट्रेनिंग करते टाइम दोनों के बीच फाइट हो गया था और सियोनहू उसे उल्टा सीधा बहुत कुछ कह दिया था, जिससे तैयांग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया और तैयांग गुस्से में सियोनहू पर हाथ उठा दिया था। सियोनहू योनकू को अपने साथ बारबेक्यू रेस्टोरेंट में लेकर आता है और उसे रेस्टोरेंट में लाकर कहता है, गाइस तुम लोग टीम ब्लैक के सबसे छोटे मेंबर से मिलो। तभी कोई कहता है, हे योनकू, तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा, इट्स गुड टू सी यू मैन। तो कोई और कहता है, तो तुमने भी टीम ब्लैक को छोड़ ही दिया है। योनकू अपने फेलो टीम मेंबर को यहाँ देखकर हैरान हो जाता है। योनकू सरप्राइजिंग टोन में कहता है, गाइस। तभी सियोनहू कहता है, किंग ऑफ MMA के न्यू मेंबर है योनकू, सब लोग न्यू मेंबर को वार्मली वेलकम करो अपने टीम में। योनकू ये सुनकर हैरान हो जाता है। योनकू कहता है, क्या? योनकू कहता है, यहाँ ये सब कुछ क्या चल रहा है योंग? मुझे इस मीटअप के बारे में कोई आइडिया नहीं है, आप इसलिए मुझसे मिलना चाहते थे? सियोनहू कहता है, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? बस यहाँ बैठो। सुनहरी बालों वाले एक लड़का कहता है, मैं तुम्हारे लिए ग्लास में ड्रिंक पोर कर देता हूँ। वो लोग तरह तरह के बातें करने लगता है। तैयांग अपने इंजुरी के वजह से हार गया है और अब उसे डिसक्वालीफाइड कर दिया गया है, तो हम उससे क्या क्या लर्न करेंगे? योनकू कहता है, ये सही नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। योनकू जाने के लिए उठता है, तभी सियोनहू उसका हाथ पकड़ लेता है। सियोनहू कहता है, हे योनकू, आज तुम्हें यहाँ इनवाइट करने के लिए मुझे कितने सारे ट्रैवल से गुजरना पड़ा है, तुम्हें कोई आइडिया भी है? एटलीस्ट तुम यहाँ हमारे साथ एक ड्रिंक तो पी ही सकते हो, एक ड्रिंक तक यहाँ रुक जाओ। योनकू कहता है, नो थैंक्स। तभी कोई कहता है, मैंने सुना है इस बार डायरेक्टर ने बहुत सारा पैसा कमाया है, आज वो बिल चुका रहा है ना? तो कोई और कहता है, हाँ, उसने अपना सारा पैसा जुमिन के जीत पर बेट लगा दिया था और बाकी वो कामयाब रहा, मुझे बहुत जलन हो रहा है। तो कोई और कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है, उसने अपना सारा पैसा उस पर लगा दिया है? ये सुनकर योनकू पॉज हो जाता है। तभी वो पर्सन कहता है,
लगता है तुम स्पोर्ट्स बेटिंग में नए हो, तुम इस बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। मैंने इस गेम के लिए किम तैयंग पर बेट लगाया था, यार मैंने खुद ही अपने पैरों पर गोली चला दिया है। तभी सियोन हु कहता है, हे पोटेटो तुम बैठो, कोई मुझे एक न्यू ग्लास दो। रुको पोटेटो, मैं तुम्हारे लिए ग्लास में शराब भर देता हूँ, यून को मन में सोचता है। तो एक डायरेक्टर अंडर डॉग है, लेकिन मेरा मानना है उसने जुमिन पर इसलिए अपना सारा पैसा लगाया क्योंकि वो उसके जिम का हिस्सा है। तभी कोई कहता है, एक्चुअली सब योम योंग ने मुझे बताया, उसने कुछ डांटी प्ले ट्रिक किया है। फिर फुसफुसाते हुए कहता है, उसने मैच से पहले तैयंग की एक मेडिकल सप्लीमेंट को बदल दिया था और उसे चोट लग गई, यू नो द पेन रिलीफ स्प्रे। योंगू कहता है, डोंट टेल मी कि उस दिन डायरेक्टर पर्पसली वहाँ तैयंग योंग से लड़ने के लिए आया था। तभी दो बंदा पीछे मुड़कर योंगू के तरफ देखता है। योंगू कहता है, और इसके वजह से तैयंग योंग हार गया है। तभी वो दोनों कहता है, क्या तुम कौन हो? योंगू कहता है, मैं बस पूछ रहा हूँ क्या ये सच है। तभी वो पर्सन कहता है, अगर ये सच है भी तो तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? यूनगू हॉस्पिटल आकर सब कुछ तैयंग को बता देता है। उस दिन मैंने खुद डॉक्टर जियोन को मेडिकल की सभी चीज़ चेक करते हुए देखा था, सारे वाटर बॉटल सब कुछ री चेक किया था उन्होंने, इसलिए ऐसा होना पॉसिबल नहीं है कि डॉक्टर जियोन एक स्पाई हो, इट्स अनथिंकेबल। तैयंग सब कुछ सुनने के बाद भी दूसरे तरफ चेहरा घुमा लेता है। यूसुफ योंग कहता है, मैंने ऑलरेडी पुलिस और एमएफसी टीम को इन्फॉर्म कर दिया है, लेकिन ड्रेसिंग रूम में कोई कैमरा नहीं है, तो इस मामले की इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा टाइम लगेगा उनको। ऑल्सो ए चांसेस भी बहुत ज़्यादा है कि इस मैटर को यही दबा दिया जाए, क्योंकि विक जुमिन को अभी बहुत ही ज़्यादा फेम मिल रहा है। एनीवे ये डॉक्टर जियोन नहीं है, ये बात निश्चित है। जोब कहता है, तैयंग इस बार तुम डॉक्टर जियोन के साथ बहुत हार्श थे, बिना सांस जाने तुमने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। तैयंग गुस्से में दांत पीसते हुए जोब के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, सो व्हाट्स योर फकिंग पॉइंट, व्हाट द हेल, तो आप क्या चाहते हो कि मैं क्या करूँ? आप जोब गुस्से में चिल्ला कर कहता है, क्या तुम उस पर्सन के लिए कुछ महसूस नहीं करते हो जो इतने समय से तुम्हारा देखभाल कर रहा है? तुम इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हो? तैयंग एंगर में चिल्ला कर कहता है, मैं ही वो पर्सन हूँ जो अभी शीट जैसा महसूस कर रहा हूँ। जोब गुस्से में तैयंग के फेस पर स्लैप कर देता है। तभी दई योंग जोब का हाथ पकड़ कर कहता है, कोच। जोब कहता है, तुम ऐसे किट की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो तैयंग? थैंक्स टू यू एंड योर स्टूपिड टेम्पर, तुम अकेला नहीं हो जो यह परेशान है, हम सब परेशान हैं। यूसुफ कहता है, काम डाउन। तैयंग एक हाथ से अपने फेस टच कर रब करने लगता है। तैयंग कहता है, व्हेयर इज जियोन जोंगकुक, वो अभी क्या कर रहा है? दूसरे तरफ जोंगकुक अपना सारा सामान पैक करने लगता है। जोंगकुक मन में सोचता है, यहाँ रहना आसान नहीं था, लेकिन यह बहुत अच्छे टाइम भी बिताया है मैंने, मेरे लिए गुड बाय बोलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। फिर तैयंग की कही हुई बात को याद करने लगता है, मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, निकाल जाओ तुम यहाँ से, बिग जुमिन ने तुम्हें कितने मनी ऑफर किया है, गेट आउट ऑफ माई साइट, लेकिन अब यहाँ मेरी ज़रूरत नहीं है। लास्ट मैच में जो हुआ वो मेरे वजह से हुआ है, इसलिए हम दोनों के लिए अच्छा यही है कि मैं यहाँ से निकाल जाऊँ, बिना कुछ कहे मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो अच्छा रहेगा। फेस टू फेस बात करना दोनों के लिए थोड़ा ऑकवर्ड रहेगा। जोंगकुक जाने से पहले तैयंग के लिए एक लेटर लिखता है। तैयंग कहता है, व्हाट हैपेंड, व्हेयर इज जियोन जोंगकुक, अभी वो कहाँ है और क्या कर रहा है? जोब स्निफ करते हुए कहता है, वेल डॉक्टर जियोन चला गया है, उसने तुम्हारे लिए जाने से पहले जॉब से रिज़ाइन करने का लेटर छोड़ कर गया है, मैंने उसे रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश किया था लेकिन वो नहीं रुके, जाहिर सी बात है
उसे बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ होगा। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।